Assalamualaikum everyone, welcome to our kitchen Kokni Bites. कैसे हैं आप सब? मैं हूँ ज़ैनब कोनकरी, स्वागत है आपका हमारे किचन में। बनाने के लिए जब सबसे पहले हमें लगने वाला है चावल का आटा, जो कि आधा किलो है। ये हमने 2 ग्लास पानी को बॉईल कर लिया, इसमें हल्का सा हमने नमक और तेल ऐड कर लिया है। पानी बॉईल होने पर हम सारा ही आटा उसमें ऐड कर लेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, किसी लकड़े के चम्मच की मदद से हम इसे मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं आप, हमने गैस की फ्लेम को अब ऑफ कर लिया है। इसे ठंडा होने पर अच्छे से गूंध लेंगे। अगर हमें ज़रूरत लगे तो हम हल्का हल्का पानी ऐड कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से गूंध लेंगे हम। तो आप देख सकते हैं इसके आटे के हमने 2 हिस्से कर लिए हैं। जो 3 पार्ट है उसका हम चोंगे बनाएंगे और जो 1 पार्ट बचा है उसके हम मालीदा बनाएंगे। तो चोंगे के लिए पहले हम सबसे पहले एक रोटी जितना डो ले लेंगे, उसको अच्छे से बेल लेंगे। किसी ढक्कन की मदद से इसे हम कट कर लेंगे, एक ढक्कन या कुकी कटर की मदद से। तो आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, इतना ही थिक होना चाहिए। तो सारे बना के हमने रेडी कर लिए हैं, देख सकते हैं आप। तो ये चोंगे बनाने का एक स्टेंसिल होता है, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में। उसको पहले हम तेल से ग्रीस कर लेंगे और एक रोटी उस पर रख के उसे हल्के हल्के हाथों से प्रेस करके बड़ा कर लेंगे। उस पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है हमें, हल्के ही हाथों से इसे प्रेस करना है और आराम से इसे हम निकालेंगे। देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा उसका डिज़ाइन बना है। इसी तरह से हम सारे ही कर लेंगे। तो सारे रेडी कर लेने के बाद हम इसे तवे पर सेक लेंगे। तो सबसे पहले हमने तवा गरम कर लिया था, एक साइड से जो डिजाइन की साइड होती है वो ऊपर रखेंगे हम और इसे रोटियों की तरह सेक लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारे चोंगे रेडी हो चुके हैं। तो अब हम मालीदा बनाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए हम रोटी जितना एक पेड़ा लेकर उसे अच्छे से बेल लेंगे। रोटी जितनी ही पतली थिकनेस रहेगी इसकी, उसे सेक भी लेंगे अच्छे से रोटियों की तरह। तो और उसके बाद इसे हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे हाथों से। आप ये अपने ऊपर है कि आप कितना मोटा उसे रखेंगे। तो हमने इसके टुकड़े कर लिए हैं, रेडी है। तो ये है नारियल की चून और शक्कर। तो नारियल की चून इसमें हम ऐड कर लेंगे, ये आधी नारियल की चून है और ये शक्कर अपने मीठेपन के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लेंगे। इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून नमक। आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें अपने हाथों की मदद से। ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार की स्वीट डिश। जो 2 रेसिपी हमने आपसे ये शेयर की है, ये कुक लोग बहुत ही खुशी से बनाते हैं मुहर्रम में। तो सर्व कर लेते हैं चोंगों को। हम चोंगे जो हमने बनाए इसे हमने चिकन के मसाले के साथ सर्व किया है, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को। मालीदा एक तरह का स्वीट डिश है, बहुत मज़ेदार लगता है। डू ट्राई दिस रेसिपी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।